आप सबको प्रणाम। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। माँ बाप का संबंध वैसे ही होता है जैसे वृक्ष और फल का संबंध, दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं जीवन के लिए। ही प्यार के प्रतीक हैं, बल्कि ये प्यार के जन्मदाता हैं, जीवन के जन्मदाता हैं। दोनों ही संस्कार देते हैं, दोनों ही प्यार देते हैं, दोनों ही पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक अंतर जरूर मैं देखती हूँ कि माँ जो का प्यार वो बहुत प्रकट होता है, लेकिन फादर जो है वो काम करता है, दिन भर रहता है, दिन भर मेहनत करता है, वो कभी प्यार नहीं जताता है शायद, लेकिन उसका प्यार बहुत मजबूती के नींव पर खड़ा होता है। उसे सिर्फ जन्म ही नहीं देना होता है, उसका पालन पोषण। अब तो स्त्रियां भी आगे आ रही है, लेकिन देखा जाए तो इतिहास ही हमें बताता है कि फादर ने हमेशा ही अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और परिवार को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षा दी है। एक जरूर मैं बात कहना चाहूंगी, जो भी फादर है यहाँ तो अच्छे फादर है, लेकिन आमतौर से इंडियन लोग भी अभी इसमें जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, कि वो अपने बच्चों को तो खड़ा कर देते हैं और एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन देते चले जाते हैं। ये करना है, वो करना है, संगीत सीखना है, ये क्लास करना है, स्विमिंग करना है, बहुत सारी कलाएं। आज क्योंकि कॉम्पिटिशन का वर्ड है तो दे आर राइट ऑन देयर ओन, बट एट द सेम टाइम हम लोग संस्कार देना भूल जाते हैं, संस्कार 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 देना भूल जाते हैं। एजुकेशन को तो हम बढ़ा देते हैं, बच्चों को बड़े बड़ा 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 डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, या करेंगे वो करेंगे, लेकिन बच्चा कहाँ बिगड़ रहा है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके संस्कार शुरू में ही हम लोग अच्छे रखे तो वो बड़ी नींव उसकी मजबूत होगी जीवन की, और वो आगे जा करके उसको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, बेटा अपने आप ही ख्याल रखेगा। इसलिए शुरू में ही बचपन में ही संस्कार देना बहुत जरूरी है। इस तरफ अगर कोई निगलेक्ट हो जाता है तो आप सचेत रहिएगा। इस बारे में बहुत कुछ कह चुकी हूँ, एक कविता लिखी है मैंने।